हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरा ये नो मेकअप मेकअप लुक। एंड ऑफ कोर्स यू नीड सम मेकअप प्रोडक्ट्स टू क्रिएट दिस नो मेकअप लुक, बट इट्स अ वेरी इजी 5 मिनट लुक एंड यू कैन कैरी दिस लुक फॉर एवरी डे वेयर। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो भी आप ये इजी लुक क्रिएट कर सकते हो फॉर द डेली बेसिस, विच आई पर्सनली ऑल्सो लव डूइंग दिस। और अगर आपको जाना है आज का मैंने ये इजी लुक कैसे क्रिएट किया है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। एंड ये क्रीम मुझे इसलिए इतनी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें SPF है और साथ ही साथ आपको एक अच्छी कवरेज, डिसेंट कवरेज आपको देती है। सो आई विल बी यूजिंग दिस ओनली वेरेवर आई हैव प्रॉब्लमेटिक एरियाज, जैसे कि मेरे अंडर आइज पे और जहाँ जहाँ भी एक्ने स्कार्स है वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। फुल फेस पे मैं इसको अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि एज दिस इज़ अ नो मेकअप मेकअप लुक, सो आई वॉन्टेड टू इट लुक वेरी नेचुरल। तो सबसे पहले मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी, बस जहाँ जहाँ मुझे जो भी जहाँ लग रहा है ज़रूरत है कि हाँ मुझे हाइड करने की ज़रूरत है, कवरेज की ज़रूरत है, सो वहीं अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन आई बी ब्लेंडिंग इट विद माय ब्रश। अब इसमें बाकी इस ब्रश में मैं और अप्लाई नहीं करी, स्मॉलर जो भी लेफ्ट है, जो भी क्रीम है उसको मैं बस पूरे फेस पे बस इस तरह से एक अप्लाई कर लूँगी टू गिव अ नाइस फिनिश। एंड नाउ टू सेट दिस आई विल बी यूजिंग अ कॉम्पैक्ट। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 9 to 5 कॉम्पैक्ट इन द शेड मेलन। तो उसको मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने क्रीम बीबी क्रीम अप्लाई की अंडर आई एरिया में, जस्ट टू सेट दिस मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। पूरे फेस पे मैं इसको अप्लाई नहीं कर रही हूँ ताकि जो भी मैंने वो क्रीम अप्लाई किया है उसमें कोई भी क्रीज लाइन ना रहे। सो अभी जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी नेचुरल फिनिश लुक लग रहा है, लग नहीं रहा आप फेस पे बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई किया है। बहुत ही लाइट हैंडेड से मैंने इसको अप्लाई किया अपने पूरे फेस पे। सो आफ्टर डूइंग माय बेस मैं अपने आईब्रोज के लिए अप्लाई कर रही हूँ उसको फिल करने के लिए लैक्मे की आईब्रो पेंसिल। अब ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन जो कंटोरिंग किट में से, ये जो पिंक शेड है ब्लश वो अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पे क्योंकि काफ़ी सटल नेचुरल फिनिश लुक देता है। तो दैट्स व्हाई आई लव दिस शेड फॉर द डेली बेसिस। आई विल बी अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑन माई नोज एंड लिटिल बिट ऑन माई चिन, सो इट लुक्स अ क्वाइट नेचुरल लुक। सो नाउ एज यू कैन सी ब्लश मैंने चीक्स के साथ साथ नोज़ पे, थोड़ा सा चिन पे भी अप्लाई किया, मुझे काफ़ी क्यूट लगता है अप्लाई करना। सो आफ्टर दिस आई विल बी यूजिंग हाइलाइटर। फॉर दिस आई विल बी यूजिंग मेबेलिन मास्टर क्रोम मेटालिक हाइलाइटर इन द शेड मोल्टन रोज गोल्ड। तो इसको मैं सिर्फ अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड तो इसको मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट के साथ साथ थोड़ा अपने चीक पे भी अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये हाइलाइटर अप्लाई करना। और इसको मैं थोड़ा सा अपने नोज़ पे जहाँ भी हाई पॉइंट्स है मैं बस वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और सेम हाइलाइटर को मैं अपनी ब्राउ बोन पे और थोड़ा आउटर वी है सिर्फ वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं आज कोई भी आई शेडो वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, जस्ट टू हाईलाइट द ब्राउ बोन और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और आइस पे मैं कोई भी आज लाइनर या काजल कुछ भी अप्लाई नहीं करी, आई विल बी जस्ट यूजिंग दिस मेबेलिन कलर सेंसेशनल मस्कारा।
तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नायका की मॉल्टन मैट लिपस्टिक रेंज में से इन द शेड रेचल। सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड तब तक के लिए बाय एंड सी यू।